नुकतीच मुंबई मध्ये एक सौंदर्य स्पर्धा पार पाडली आणि या स्पर्धेत कोपरगाव येथील रहिवासी मीनू उर्फ स्नेहा पंजाबी या मिसेस हिंदुस्थानी या अवॉर्डच्या विजेता ठरलेल्या आहे आणि संपूर्ण कोपरगावातून त्यांच्यावरती अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे। आज आपल्या सोबत बोलण्यासाठी स्वतः स्नेहा पंजाबी आहे, आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत नेमका या स्पर्धेमध्ये ते कसे सहभागी झाले आणि काय त्यांना कष्ट घ्यावे लागले, कसा प्रवास इथपर्यंतचा होता, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। प्रथमतः स्वागत आहे तुमचं मायनूज मध्ये आणि अभिनंदन तुमचं की तुम्हाला मिसेस हिंदुस्थानी अवॉर्ड मिळालेला आहे, काय आनंद होत आहे? थँक्यू सो मच मुझे इतना सम्मान देने के लिए और मेरी स्टोरी कवर करने के लिए। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि मैं यूपी बॉर्न हूँ और मैं महाराष्ट्र में मेरी मैरिज हुई है, तो मैं आप मुझसे मराठी में पूछ सकते हैं, मैं हिंदी में ही आपको आंसर कर सकूँगी। क्या आनंद हो रहा है? क्या आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद की सीमा मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम किसी स्थान पर ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो आपका एक सपना होता है, एक ड्रीम लेवल होता है कि मुझे इंडिया लेवल पर मिसेस इंडिया, मिसेस इंडिया, मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी और आज मैं इसको नहीं बता पाऊंगी शब्दों में, ये आप मेरे चेहरे की स्माइल से बता कर सकते हैं। स्नेह जी, मिसेस हिंदुस्तानी ये अवार्ड आपको मिला है, चर्चा भी बहुत सारा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये स्पर्धा कहाँ पे हुई, कब हुई और किसने ऑर्गेनाइज की? ये स्पर्धा मुंबई में हुई है और जाने माना होटल है बहुत बड़ा वहाँ पे, द क्लब मुंबई। आर के तिवारी जी ने ये इसको ऑर्गेनाइज किया था और उनका 15वां ये इवेंट था और अक्सर वो मिस एंड मिसेस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमेशा। किस तरह से स्पर्धा होती है, कितने राउंड्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या बताना चाहूँगी कोपरगांव वासियों? जैसे कि सभी जानते हैं कि पेजेंट में 3 राउंड इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हमारा ग्रूमिंग होता है, कोरियोग्राफी होती है, सब ट्रेनिंग के बाद हमको स्टेज पर उतारा जाता है, जिसके बाद हमारे 3 राउंड, पहला हमारा टैलेंट राउंड जिसमें आप कुछ भी सिंगिंग या जो भी आपका टैलेंट है आप शो कर सकते हैं, नेक्स्ट उसमें आपका ट्रेडिशनल राउंड आता है और जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है, और थर्ड राउंड फाइनल राउंड आपका फिनाले के दिन होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड, एंड क्वेश्चन आंसर राउंड इज़ द मेन पार्ट ऑफ द पेजेंट। सब कुछ ज्यादा करके इस क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंड रहता है। फाइनल राउंड कौन सा है? फाइनल राउंड क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है और उसी में हमारी जीत का या जो भी हमारे रिजल्ट होता है उसमें हम लोगों को पता चलता है। फाइनल राउंड जब हुआ वहां पर कौन कौन मौजूद था? फाइनल राउंड के टाइम पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मुंबई के जाने माने, जैसे कि डायरेक्टर चिनू वर्मा जी, उदित नारायण सिंगर जी, सॉरी एंड रोनित रॉय एक्टर, जाने माने एक्टर हैं, एंड सिंगर इस्माइल दरबार, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर थे, एंड चीफ गेस्ट वहाँ पे रेमो डिसूजा थे जो सारे गामा पाके जजेस हैं। आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या मेहनत आपको लेना पड़ी वहाँ पर पहुँचने? मेहनत के लिए मैं ऐसा ही कहूँगी कि मेहनत तो हर क्षेत्र में हर इंसान को करनी पड़ती है, पर जब हम मिसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, मिसेस के लेवल पर आ जाते हैं, तो हमारी मेहनत कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमको सिर्फ सपने पूरे करने के लिए यूं ही आसानी से घर से नहीं निकल सकते हम लोग, हम लोगों के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको पार करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, तो पहले मन को समझाना और उसके बाद फिर अपने फिजिकल इस पर ध्यान देना। आपकी दिनचर्या कैसी है, सुबह से शाम तक आप कैसे खुद को मेंटेन रखते हो और कैसा आपका दिन का पूरा शेड्यूल है? स्टार्टिंग जैसे कि सभी मदर्स की होती है, हाउसवाइफ्स की होती है, 6 o'clock उठना है, बच्चों को भेजना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद अपने रोज़मर्रा के जो दिनचर्या रहती है, काम रहते हैं घरेलू, हस्बैंड के काम तक जाने तक, उसके बाद जो समय बचता है वो मैं अपने लिए लगाती हूँ, जैसे राइटिंग, राइटिंग मेरा एक बहुत प्रिय शौक है, मैं शायरी भी लिखती हूँ और बुक्स भी लिखती हूँ और अखिल भारतीय की मैं लेखक की मेम्बर भी हूँ मैं। तो आपने जो कहा कि अभी बहुत सारी शौक आपके बताए कि आप राइटर भी हो, शायर भी हो, सिंगर भी हो, तो आप शायरी के बारे में क्या कहोगे? शायरी सुनाओगे? शायरी मैं आपको वही सुनाऊंगी जो मैंने मुंबई में अपने इंट्रोडक्शन राउंड में सुनाई थी और जजेस को काफ़ी पसंद आई थी, अब आई होप कि यहाँ पर भी सभी को पसंद आए। कामयाबी देखकर तुम्हारी, कामयाबी देखकर तुम्हारी सब वाह वाह करेंगे, कामयाबी देखकर तुम्हारी सब वाह वाह करेंगे, कुछ लोग जलेंगे तुमसे, कुछ लोग दर्द की आ भरेंगे, कुछ लोग जलेंगे तुमसे, कुछ लोग दर्द की आ भरेंगे, तुम मुस्कुराकर मजे लेना, तुम मुस्कुराकर मजे लेना, सभी तरह की बातों के, तुम्हारी मुस्कुराहट से ही तो दुश्मन और जलेंगे। खूब अच्छी तरह आप शायरी भी कर लेते हो,
मुझे एक बात बताइए कि आज कोपरगांव में ऐसी कई तरुणी ऐसी युवतियां हैं, लड़कियां हैं, जो ऐसी प्रकार की सौंदर्य स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना चाहती है, शामिल होना चाहती है, लेकिन उन्हें प्रॉपर ऐसी गाइडेंस नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात है, ये बहुत सही क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग चल तो पड़ते हैं, उठ तो पड़ते हैं कि मिस कॉन्टेस्ट हो रहा है, मिसेस कॉन्टेस्ट हो रहा है, और हमको उसमें पार्टिसिपेट करने की एक्साइटमेंट आ जाती है, बट सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से उसमें बहुत सारी कमियां भी रह जाती हैं। आपको अगर एक सही लेवल के शो में आप करते हैं पार्टिसिपेट, तो आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ गई थी, तो मेरे जो कोरियोग्राफर थे वो सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर थे, सेलिब्रिटी ग्रूमर्स थे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट सब सेलिब्रिटीज के थे, जैसे कि आलिया भट्ट की जो मॉम है, उनके असिस्टेंट्स हमारे मेकअप वाले थे। तो ये चीज़ें हम लोगों को बारीकी से सीखने को मिलती हैं, और जब यहाँ पर हमारे लोकल में कहीं पर इस तरह का शो होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंसान उनको गाइड करे जो ऑलरेडी वो बाहर से कुछ सीख कर आया हुआ है, तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ की युवतियाँ भी आगे बढ़े, इसके लिए आप शो वगैरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का कुछ ख्याल रखते हो? जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, जो भी मैं करके आई हूँ, और इसको मैं आगे जो इस तरह की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी, और बहुत जल्दी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में है कि मैं उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ। मिसेस हिंदुस्तानी इस अवार्ड तक पहुँचने के लिए किस किस की सहायता आपको मिली? मिसेज हिंदुस्तानी अवार्ड पाने के लिए जाहिर सी बात है ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है, सबसे पहले मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, जो कि 5 दिन की ट्रिप से आने के बाद भी मेरे लिए लगातार गाड़ी चला के मुझे मुंबई लेके गए हैं, और कहीं भी उन्होंने मेरे को रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। उसके बाद जो मेरी नंद हैं, जो दीदी हैं बड़ी मेरे हस्बैंड की, वो मेरे दोनों डॉटर्स को उन्होंने वहाँ पे संभाला है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि मीन्स डॉटर को मैं ट्रेनिंग के टाइम पर अगर रख पाती तो एक उनका बहुत बड़ा योगदान, और एक योगदान जिसे मैं कहूँगी मेरी बेस्ट फ्रेंड का, जो स्वाति हैं। और जब मैं वहाँ नर्वस हो रही थी, जब मैं, मुझे याद है मेरा मेकअप चल रहा था, मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी कि पता नहीं रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में क्या होगा, और ये फीलिंग ऐसी थी कि यहाँ पर मैं सरप्राइज़ के तौर पर मैंने किसी को बताया नहीं था, किसी से शेयर नहीं किया था कि मैं किसी ऐसे कॉन्टेस्ट में जाने वाली हूँ। तो मैंने स्वाति को मैसेज किया था मेकअप के दौरान कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ, उसने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, तो वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। और यहाँ पर एक हमारी रश्मि जोशी जो दीदी हैं, यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने उनसे ये बात शेयर करी जो मेरी सफलता है कि दीदी मेरा ऐसे ऐसे बना है, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। इस फील्ड में आप आगे क्या करना चाहोगे? इस फील्ड में मैं जैसे कि इसी शो से निकली हूँ और इसी फील्ड में मैं कार्य कर रही हूँ, तो मिस या मिसेस कैटेगरी का मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज जल्द करूँगी जिसमें लोगों की प्रतिभा दिखाने का चांस मिलेगा, और उसके अलावा बहुत जल्दी मैं एक शो योर टैलेंट इस तरह का मैं एक इवेंट खुद से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, उसमें मेरे पार्टनर्स हैं 2-3, तो बहुत जल्दी जो लोग सिंगिंग करते हैं, शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं, बुक लिखते हैं, उनको मैं एक स्टेज देना चाहूँगी वहाँ पर, और बहुत जल्दी दूंगी। ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन होता है, सौंदर्य स्पर्धा होती है, इसको कुछ लोग जो है तो उसको कुछ मानते नहीं है, आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत ही एक अच्छे रूप में मानती हूँ, जैसे बहुत सारे जानने वाले मिलेंगे हमें, मेरे दोस्त मिलेंगे, रिलेटिव मिलेंगे, जो ये सोचेंगे कि नहीं ये तो एक फालतू चीज़ है, नहीं 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 ये तो कुछ भी नहीं, अरे ये तो होता रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की ज़िंदगी में अपने मायने हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर हम इस तरह के किसी कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, तो सबसे पहले जो गृहिणी होती है, जो मिसेज होती है, जिसको एक चार दीवारी से निकलने का मौका नहीं मिलता, जो एक किचन रूम इसके दायरे में सीमित हो जाती है, वो अपनी पहचान भूल जाती है, तो ये एक उसको पहचान देने का एक बहुत, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब वो इसमें निकलेगी, बाहर आएगी, तो उसको खुद से प्यार होगा, सबसे पहले वो प्यार वो खुद से करना सीखेगी, क्योंकि वो खुद की जो अपनी दिनचर्या है उसमें जो बदलाव महसूस करेगी, वो देखेगी कि हाँ मैं ऐसे भी चल सकती हूँ, मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ। ब्यूटी पेजेंट मतलब ये नहीं है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मतलब हमारा रूप सुंदर होना चाहिए, हमारी आँखें सुंदर होनी चाहिए, हम कपड़े अच्छे पहन रहे, नहीं, ब्यूटी पेजेंट का कॉम्पिटिशन का मीनिंग ही ये है कि वो आपकी जो अंतर, जिसे कहते हैं कि जो आपके अंदर का टैलेंट है, वो निकाल के जो आप स्वयं हैं, खुद हैं, वो आपकी प्रतिभा को वो बाहर लाता है। तो ये जरूर करना चाहिए, अपनी टोटल ऑल ओवर पर्सनालिटी, जिसे मैं कहती हूँ डेवलपमेंट टोटल, ये आपको इसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जरूर मिलेगा। धन्यवाद स्नेहा जी, आपने माइनूस से बात की। या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर यांनी जे आतापर्यंत जे प्रवास होता त्याबद्दल जी त्यांनी माहिती दिलेली आहे, आणि या ग्रामीण भागामध्ये ज्या युवती असतात त्यांना या सौंदर्य स्पर्धा काय असतात याच्याबद्दलची माहिती नसते, परंतु या सर्व त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं कार्य जे आहे स्नेहा पंजाबी करणार आहे, असंच त्यांनी या ठिकाणी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। आणि स्नेहा पंजाबी यांना पुढील भाषणाची माइनूसच्या वतीने देखील शुभेच्छा।
कैमरामैन विशाल लोंडे सह मोबिन खान माय न्यूज कोपरगाव। मला फार आनंद होत आहे का माझी मिसेज यांना मिसेज हिंदुस्तान अवॉर्ड मिळाला आहे आणि त्यामागे त्यांचे फार कष्ट आहेत, त्यांनी फार कष्ट केले आहेत आणि माझंही त्यांना साथ मिळाली आहे आणि प्रत्येक महिलांनी प्रत्येक वेगवेगळे गुण असतात त्यामध्ये हे गुण आहेत, त्याचा मला आनंद आहे। मैत्रिणीला अवॉर्ड मिळाला याच्या अचीवमेंट जी तिने केली त्याच्यासाठी अर्थातच आम्हाला सर्वांना खूप आनंद झालेला आहे आणि खूप अभिमानही वाटतोय तिचा, तिचा हार्टेस्ट काँग्रेस। थँक्यू। मला तर खरं तर खूप आनंद होतोय की माझ्या मैत्रिणीबद्दल मला एकतर बोलायला भेटतंय आणि हे अवॉर्ड तिला मिळणारच होतं कारण त्याच्यावर तिचाच हक्क होता असं मला वाटतं। कारण तिची इतकी जिद्द होती की मला ते अवॉर्ड मिळवायचंच आहे, ती मला नेहमी म्हणायची स्वाती मुझे ये करना है और करना ही है। तेव्हा तिच्या डोळ्यांमध्ये जी जिद्द मला दिसत होती ना, आज तोच आनंदाच्या चेहऱ्यावर दिसतंय मला आणि त्यामुळे मी खरंच खूप मनापासून खूप आनंदी आणि कदाचित मी शब्दात नाही सांगू शकणार की मी पण किती आनंदी आणि ती पण किती आनंदी। म्हणून माझ्या चेहऱ्यावर दिसतच आहे की मी खूपच आनंदी आहे आज की माझी मैत्रीण स्नेहा हिने जी अचीवमेंट आज केली आहे ती एक हाऊस वाईफ असून सुद्धा ती खूपच म्हणजे ऍक्टिव्ह नाही म्हणताय ना ती हायपर ऍक्टिव्ह आहे आणि तिने खूप तिच्या स्वतःच्या जिद्दीतनं आणि मेहनतीतनं ती खूप वरती आली आहे। ती आधी मिसेस महाराष्ट्र पण झालेली आहे, आयकॉनिक फेस पण आहे ती ऑफ द इयर 2019 and 22 असं आणि ती खूपच ऍक्टिव्ह पण आहे, जिद्दी आहे आणि तिला जे पाहिजे ती मिळवतेच आणि खूप मेहनती आहे आणि त्या ह्याच्यानेच ती आज इथपर्यंत आली आहे आणि आम्ही खूपच आनंदी आहोत तिच्यासाठी। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मेरी फ्रेंड स्नेहा को जो अवार्ड मिला है तो उसमें हम लोग तो सब बहुत खुश है, मुझे भी बहुत खुशी हुई है अपने गांव में इतना बड़ा अवार्ड मिलना और उसने वहां जाकर ये सब जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और वो वैसी है ही, दिखने में तो है ही पर इंटेलिजेंट भी बहुत है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मी आता माझ्याकडे बोलण्यासाठी शब्द नाही, मान आनंद गगनात मावेन असा झाला आहे आणि आमचं पंजाबी समाजात आहे खूप मोठं त्यांनी नाव कमवलेलं आहे त्याच्याबद्दल मला खूप आनंद होत आहे आणि गर्व पण आहे। मिसेस नेहा पंजाबी या माझ्या मामी आहेत आणि त्या एकदम ॲक्टिव्ह पर्सन आहेत जे त्यांना पाहिजे ते अचीव करून राहतात आणि हा अवॉर्ड त्या डिझर्व करतात।